अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने क्लाविकल पढ़ी थी, इस वीडियो में हम स्कैपुला पढ़ेंगे। स्कैपुला हमारे पास बैक साइड पे बोन है, इसके हम पहले जनरल फीचर्स, अटैचमेंट्स और साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो पीछे बोन है, ये हमारे पास स्कैपुला है। ये वाली बोन हमारे पास स्कैपुला है, इसके हम सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं। तो साइड डिटर्मिनेशन में हम देखते हैं कि इसके जो है वो लेटरल और ग्लेनॉइड एंगल जो है, वहाँ पे ग्लेनॉइड कैविटी है। इसके हमारे पास दो प्रोसेसेस होते हैं, दो प्रोसेसेस दरमियान एक कैविटी बनती है, वो दो प्रोसेसेस हमारे पास लेटरल साइड पे होते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक स्पाइन है, इसके स्पाइन के एंड पे एक्रोमियल प्रोसेस, जिसके साथ जो है क्लेविकल का हमने कल पढ़ा था कि वो क्रोमियल एंड के साथ जॉइन होती है, और ये कोराकॉइड प्रोसेस। तो ये वाला जो है ये लेटरल साइड पे आएगा, और ये जो प्लेन है जहाँ पे क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है, जहाँ से स्पाइन स्टार्ट हो रही है, ये हमारे पास मीडियल साइड पे आएगा। तो अगर हम देखेंगे ये लेटरल है और ये साइड जो है वो मीडियल आएगी, और ये जो क्रेस्ट है ये पोस्टीरियर आएगी, और ये हमारे पास जो है वो फ्रंट का व्यू है, ये प्लेन आगे से ये एंटीरियर आएगी। ये एंटीरियर क्रेस्ट वाली साइड पोस्टीरियर, और ये लेटरल, और ये वाली साइड मीडियल। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्लेविकल पकड़ाई गई है ये राइट साइड की है या लेफ्ट साइड की है। इसके बाद हम इसके जनरल फीचर्स देखते हैं। जनरल फीचर्स पहले हम जो है पोस्टीरियर एस्पेक्ट के देख लेते हैं। तो पहले मैंने जैसे बताया, ये हमारे पास स्पाइन है, स्पाइन की ये स्टार्ट पे क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, और ये एंड पे ये एक्रोमियल प्रोसेस, ये कोराकॉइड प्रोसेस। इन दोनों के दरमियान में जो कैविटी बन रही है, वहाँ पे हमारे पास जो है शोल्डर जॉइंट होता है, और ये हमारे पास ग्लेनॉइड कैविटी है। और यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक नॉच बन रही है कोराकॉइड प्रोसेस से पहले, इसको हम कहते हैं सुप्रा स्कैपुलर नॉच। इसमें दो तरह से, एक ये हमारे पास ग्लेनॉइड कैविटी और एक ये नॉच है। इसके अलावा हमारे पास ये स्पाइन से ऊपर वाली जगह, ये सुप्रा स्पाइनस फोसा और नीचे इंफ्रा स्पाइनस फोसा। इस हमारे पास क्लेविकल स्कैपुला जो है बहुत ही आसान बोन है, क्योंकि इसके जैसे हम आगे मसल्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो है वो सुप्रा स्पाइनेटस होगी, यहाँ पे इंफ्रा स्पाइनेटस होगी। तो पहले हम अभी जनरल फीचर्स ही देखें। तो ये होगी सुप्रा स्पाइनस फोसा, ये इंफ्रा स्पाइनस फोसा। इसके अलावा यहाँ हमारे पास जो है इसके तीन एंगल्स हैं और तीन ही सर्फेसिस हैं, सुपेरियर सर्फेस, मीडियल सॉरी लेटरल और मीडियल। इसी तरह सुपेरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल। और अगर हम फ्रंट वाली साइड पर देखें इंटीरियर सर्फेस, तो यहाँ पे जैसे इंफ्रा स्पाइनेटस और सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस, तो यहाँ पे सब स्कैपुलारिस है, ये कोस्टल रीजन भी कहते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से अगर हाथ लगा के देखें तो ये तीन लाइंस फील होती है, ये मीडियल बॉर्डर हो गया और मीडियल एंगल भी यही है, ये सब स्कैपुलारिस फोसा। और ये इस साइड पर ये क्रोमियल एंड है बैक साइड से, यहाँ पर क्लेविकल जो है वो जॉइन होती है, और ये सुप्रा ग्लेनॉइड ट्यूबरकल ग्लेनॉइड कैविटी एक ही बात है। और ये हमारे पास जो है वो इंटीरियर एस्पेक्ट से है, और ये हमारे पास पोस्टीरियरली है, ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है। इसके बाद हम आगे अटैचमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले ये लेटरल साइड की हम देखते हैं, सॉरी पोस्टीरियर साइड के अटैचमेंट्स, जहाँ पर हमारे पास सुप्रा स्पाइनस फोसा था, तो वहाँ पे हमारे पास सुप्रा स्पाइनेटस मसल है। जहाँ पे इंफ्रास्पाइनस फोसा था, वहाँ पे हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस मसल है। और हमें इस तरह से याद रखना है कि जो ग्लेनॉइड कैविटी है वहाँ पे सारे ओरिजिन्स हैं, और जो हमारे पास मीडियल साइड है वहाँ पे सारी इंसर्शंस हैं। तो ये याद रखने का तरीका है। तो हम यहाँ पर देखें तो हमने सबसे पहले याद रखना है कि जो ग्लेनॉइड कैविटी है उससे बिल्कुल ऊपर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है, और ग्लेनॉइड कैविटी के बिल्कुल नीचे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप है, बाइसेप लॉन्ग हेड, ट्राइसेप लॉन्ग हेड, उसके बाद टीरीज माइनर मसल, टीरीज माइनर
फिर टीरीज मेजर। इसी तरह यहाँ पे ये इंसर्शन है जो ब्लू सी शो की हुई है, रोमबॉइड माइनर रोमबॉइड मेजर, तो इनको इस तरह पैरेलल करके याद रखना या रोमबॉइड माइनर रोमबॉइड मेजर की इंसर्शन या टीरीज माइनर टीरीज मेजर की ओरिजिन। और यहाँ पे एंड पे हमारे पास लैटिसमस डॉर्साई, ये भी हमारे पास एक मसल है जिसका बहुत छोटा सा हिस्सा ना इधर हमारे पास अटैच होता है। इसके अलावा जो हमारे पास कोराकॉइड प्रोसेस है वहाँ पे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप तो हमारे पास ये आ गया ना ग्लेनॉइड कैविटी के ऊपर, तो शॉर्ट हेड जो है वो यहाँ पे कोराकॉइड प्रोसेस के ऊपर है। यहाँ पे दो मसल्स हैं, कोराको ब्रैंकियालिस, इसको हम ह्यूमरस में भी देखेंगे, और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप। और इसके अलावा हमारे पास ये जो है हमारे पास स्पाइन है, स्पाइन के जो हमारे पास जो नीचे वाली जगह है पोस्टीरियर जगह है वहाँ पे हमारे पास डेल्टॉइड है, और ऊपर वाली जगह पे हमारे पास ट्रेपीजियस है। हम यहाँ पे भी देखते हैं कि हमारे पास ये डेल्टॉइड मसल है, हमने कल क्लेविकल में भी पढ़ा था कि उसके मीडियल एंड से सॉरी लेटरल एंड से जो है वो ओरिजिन थी, ये यहाँ से भी जॉइन हो रही है, और ये हमारे पास क्लेविकल का के जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ से भी ये डेल्टॉइड मसल जॉइन हो रही है। इसके अलावा ट्रेपीजियस अगर हमने कल देखी थी कि इसकी इंसर्शन थी, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो इंसर्शन ही है, और हमने इसकी इंसर्शन जो पढ़ी थी क्लेविकल में भी पढ़ी थी, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये क्लेविकल के साथ भी है और हमारे पास ये स्कैपुला के साथ भी है। फिर उसके बाद हम इसका इंटीरियर व्यू देखते हैं, जब हमने पढ़ा था हमने यहाँ पे सब स्कैपुलरिस हमारे पास जगह का नाम था, तो सब स्कैपुलर फोसा और यहाँ पे सब स्कैपुलरिस मसल है। यहाँ पे जैसे सुपीरियर इन्फीरियर अटैचमेंट का वो जगह का भी नाम था और मसल का भी नाम वैसा ही है, इसी तरह यहाँ पे सब स्कैपुलरिस मसल है और सब स्कैपुलर फोसा इस पार्ट का नाम है। तो ये हमारे पास ग्लेनॉइड कैविटी, इसके बिल्कुल ऊपर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, नीचे लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप, ये कोराकॉइड प्रोसेस हमने नीचे भी पढ़ा है, कोराको ब्रैंकियालिस भी इधर है, लो शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप भी इधर है, और ये हमारे पास नोच थी, यहाँ पे हमारे पास वो एक लिगामेंट है दोनों नोच के दरमियान। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास इस मसल की इंसर्शन है, ये हमने याद रखना है, इसका नाम है सीरेटस इंटीरियर, यहाँ पे इसकी इंसर्शन है। लास्ट बात इसमें यह रह गई है कि यहाँ पे ओमोहोइड की भी थोड़ी सी ओरिजिन यहाँ पे भी है, बस इसको यहाँ से याद रखना है कि जो नोच है इसके बिल्कुल पास सुप्रास्कैपुलर नोच के बिल्कुल पास हमारे पास ओमोहोइड मसल है, तो इसमें यहाँ पे एक लिगामेंट है, ये हमारे पास क्रैको क्लेविकुलर लिगामेंट है, ये दो तीन लिगामेंट्स के नाम है ये याद रखने हैं, बाकी अटैचमेंट्स आई डिटर्मिनेशन और जनरल फीचर्स हमने देख लिए हैं। इसे अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह ह्यूमरस को देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।